हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप सबके साथ मटन करी की बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है मटन करी। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और क्विक बनने वाली ये रेसिपी है। होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं मटन करी। तो मटन करी बनाने के लिए ये मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया है और उसी में ऐड कर लिया है 1/2 कप मस्टर्ड ऑयल। और इसी में खड़े मसाले ऐड कर लिए हैं, जिसमें है ब्लैक पेपर, सिनेमन स्टिक, एक बे लीफ और कार्डमम। तो जैसे ये क्रैक होंगे तो इसी में 3 चॉप किया हुआ ये अनियन है, ये मैंने फाइनली चॉप किया हुआ है। अनियन को आप जितना फाइनली चॉप करेंगे ग्रेवी उतनी अच्छी बनती है और उतनी जल्दी कुक हो जाती है। तो इस अनियन को भी लाइट ब्राउन होने तक हम सॉटे करेंगे। तो अनियन यहाँ पे ब्राउन हो चुका है, बहुत अच्छा सा इसका परफेक्ट कलर आ गया है। तो अनियन का कलर जिस तरीके से आप जितना इसको फ्राई करेंगे, सॉटे करेंगे, ग्रेवी का कलर वैसे ही आता है। तो इसके बाद इसमें ऐड कर लिया है 2 स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर लिया और 1 स्पून अदरक का। तो इसे भी हम सॉटे कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। ये मैंने इसको सॉटे कर लिया है 1 मिनट तक और इसी के साथ ऐड कर लेंगे 1 चॉप किया हुआ टमाटो। अब टमाटो का जो मॉइस्चर है उसी में ये मसाला जो है लहसुन और अदरक, फिर से हम इसको हल्का सा भून लेंगे। और साथ ही में ऐड कर लेंगे कुछ सूखे मसाले। ये मैंने 2 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 स्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और 2 स्पून धनिया पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो इन सब को भी अब इसमें मिक्स करके एक बार फिर से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा इस पे वाटर ऐड कर लेंगे ताकि इसको अच्छे से मिक्स होने में मिक्स हो जाए काफ़ी अच्छे से। तो ये देखिए अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे ऐड कर लेंगे 1/2 kg मटन। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी ये बन के तैयार होती है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए आप जो मटन का मॉइस्चर है उसी में ये सारे मसाले एक बार फिर से पक जाएंगे। तो यहीं पे हम इसमें जो है 1 ग्लास जो है वाटर ऐड कर लेंगे जब थोड़ा सा ये ड्राई होने लगेगा। तो थोड़ा सा ड्राई होने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे। ये 1 ग्लास मैंने वाटर ऐड कर लिया है। अब इस सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसको कवर करके कम से कम 2 विसल्स तक इसको कुक करेंगे। अगर आपको लगता है 2 विसल्स में ये नहीं पक पाएगा तो आप 3 विसल या फिर 4 विसल्स इसमें दे सकते हैं। तो 2 विसल्स इसमें आ चुकी हैं, इसको मैं एक बार ओपन कर लेती हूँ। तो ये देखिए इतना अच्छा इसका कलर आ गया है, ये अब कुक हो चुका है। बहुत अच्छे से ये कुक नहीं हुआ है, थोड़ा हम इसे ओपन रख के इस तरह से थोड़ा सा 2-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका है तो मैं इसी में ऐड कर लूँगी अपने जितना आपको करी चाहिए या फिर इसकी ग्रेवी चाहिए उतना ही इसमें पानी ऐड करें। ये देखिए अब ये मैंने पानी ऐड करके इसको कवर करके कम से कम 2 से 4 मिनट तक इसको एक बार लो फ्लेम पे ज़रूर कुक करें। तो देखिए बन के रेडी है मटन करी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आप सबके साथ हक्का नूडल की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वेज हक्का नूडल्स। तो ये देखिए कितना
लग रहा है ना बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल हक्का नूडल्स, तो बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। तो आप इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से, और आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसी में ऐड कर लिया है 4 ग्लास वाटर के, और 1 स्पून जो है इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया है, और 2 स्पून ऑयल, और उसी में ऐड कर लिया है 1 पैकेट नूडल्स का। तो हमें इसे कम से कम 80% ही कुक करना है, कम से कम 3 मिनट्स कुक करके ये रेडी हो जाएगा। तो ये अब बॉयल हो चुका है, और हम इसको एक बर्तन में स्ट्रेन कर लेंगे। और इसी में हम थोड़ा सा जो है कोल्ड वाटर इस तरह से डाल लेंगे, ताकि ये जो है अच्छे से आपस में चिपके नहीं, और एक प्लेट में इसको इस तरह से जो है इवनली स्प्रेड करके इस तरह से रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में ऐड कर लिए हैं 4 स्पून ऑयल, और ऑयल गर्म होते ही ऐड कर लेंगे ये मैंने लहसुन लिया है चॉप किया हुआ है, और ये अनियन है जो स्प्रिंग अनियन होता है, ये उस वो वाला अनियन है। आप चाहें तो नॉर्मल अनियन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमको ये रेसिपी हाई फ्लेम पे बनानी है, तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को हाई रखा हुआ है, और इसे ब्लैक नहीं करना है, बस 20-25 सेकंड के लिए हम इसको इस तरह से सॉटे करेंगे, और उसके बाद हम इसमें कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है, और गाजर लिया है, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली। अगर आपको वेजिटेबल ज़्यादा पसंद हैं तो आप इनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। तो फ्लेम को आप ने यहाँ पे हाई रखना है, तो इसी को हम फिर से इसमें सॉटे कर लेंगे। हम इन सब चीज़ों को एकदम बिल्कुल अच्छे से कुक नहीं करेंगे, इसका जो है क्रंचीनेस इसमें रहे उतना ही देर हम इसको सॉटे करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में, और ये विंटर सीज़न है, और हक्का नूडल्स या फिर ये सब चीज़ें, ये स्ट्रीट फूड है, और इसे हर सीज़न में पसंद किया जाता है। आप इजीली इसको घर पे बना के इंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रीट वाला और मार्केट वाला ही टेस्ट इसका आपको लगेगा। ये अब कुक हो चुका है, जितना हमें इस रेसिपी के लिए इसको कुक करना है ये ऑलमोस्ट हो चुका है। तो इसी में ऐड कर लेंगे हम बॉईल किए हुए नूडल्स। अब इसमें ऐड कर लेंगे 2 स्पून व्हाइट विनेगर, इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे 2 स्पून रेड चिली सॉस। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो
आप ग्रीन चिली को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर लेंगे 2 स्पून डार्क सोया सॉस। और सॉल्ट टू टेस्ट। और लास्ट में इसमें ऐड करेंगे 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। आप इसे ज़रूर ऐड करें, एक इसका एक अलग फ्लेवर आता है नूडल्स में। अब इन सब चीज़ों को हम फिर से हाई फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी वेजिटेबल्स और सोया सॉस, विनेगर और रेड चिली सॉस बहुत अच्छे से इन नूडल्स में जो है अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। और लास्ट में ऐड कर लेंगे स्प्रिंग अनियन, इसको भी एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे। तो बन के रेडी है स्पाइसी हक्का नूडल्स। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आप सबके साथ विंटर सीज़न की बहुत ही हेल्दी रेसिपी चिकन कॉर्न सूप शेयर करने जा रही हूँ। आप इस रेसिपी से चिकन कॉर्न सूप जो है इजीली घर पे बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में ऐड कर लिए हैं 3 ग्लास वाटर के। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको सूप बनाना है उसके हिसाब से आप पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 ग्लास पानी ऐड किया है और इसी में ऐड कर लेंगे। ये 250 ग्राम्स के करीब चिकन है, ये बोनलेस नहीं है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर बोन के साथ भी चिकन को ऐड कर सकते हैं। और इसी में ऐड कर लेंगे 1/2 कप स्वीट कॉर्न। और साथ ही मैं ऐड कर लेंगे चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक। गार्लिक मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और साथ ही मैं ऐड कर लेंगे 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। साथ ही मैं ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसे कम से कम 30 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉईल करना रहेगा ताकि चिकन अच्छे से कुक हो जाए। ये 30 मिनट्स के बाद मैंने ओपन किया है तो ये काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है। कॉर्न भी कुक हो चुके हैं और चिकन भी। तो यहाँ पे हम चिकन के पीसेस को जो है निकाल लेंगे और इस चिकन को हम स्ट्रेट करके इसमें फिर बाद में ऐड करेंगे। इसके बोन वाला जो पार्ट है उसे हम अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी चिकन के पीसेस को सेट कर लिया है और इन सब को हम अब इसमें ऐड कर लेंगे। ये
यहाँ पे मैंने 1 स्पून जो है सोया सॉस लिया है, 1 स्पून रेड चिली सॉस और 1 स्पून विनेगर। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये एक्चुअली डार्क सोया सॉस है, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा आपको ब्लैकिश लगेगा। और सोया सॉस जो है वो नॉर्मल भी आता है, ये डार्क सोया सॉस मैंने ऐड किया है इसलिए इसका कलर इस तरह से थोड़ा सा ब्लैकिश दिख रहा है। अगर आप इसमें जो है नॉर्मल सोया सॉस ऐड करेंगे तो ये इतना ब्लैक नहीं दिखेगा, लेकिन डार्क सोया सॉस से इसके टेस्ट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये तब भी उतना ही यमी बनता है। तो यहाँ पे अब बॉयल आ चुका है। जैसी बॉयल आएगा हम इसमें एक एग को बीट करके अच्छे से फेट के जो है इसमें ऐड कर लेंगे। और ऐड करने के बाद हमको इसको एकदम फास्ट जो है इस तरह से चलाना रहेगा, अदरवाइज वो जो एग है वो एक ही जगह बहुत इकट्ठा होके वो कुक हो जाएगा। तो हमको जल्दी जल्दी से इसको इस तरह से चलाना है सूप को। तो ये देखिए एग जो है बहुत अच्छे से जो है कुक हो गया है। और इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे, ये मैंने 2 स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है और 1/2 कप वाटर में इसको डिसॉल्व करके इसमें ऐड कर लिया है ताकि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। अब इसे भी हम थोड़ी देर इसी तरह से थोड़ा सा चला लेंगे और जैसे इसमें 1-2 बॉयल आएंगे उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो चिकन कॉर्न सूप जो है रेडी हो चुका है, आप विंटर्स में इसे एंजॉय कर सकते हैं। वैसे किसी भी सीज़न में इसको ले सकते हैं लेकिन विंटर्स में इसका मज़ा ज़्यादा आता है, ये बहुत हेल्दी सूप है विंटर्स के लिए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये सूप रेडी है, तो मैंने इसके जो है एक बाउल में जो है इसे सर्व करने करके जो है रख लिया है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय करें। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, अब तब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आप सबके साथ क्रिस्पी, स्पाइसी और जूसी फिश फ्राई की एक बहुत ही इजी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर एंड तक देखें। देखिए कितने डिलीशियस और क्रिस्पी लग रहे हैं फिश फ्राई। तो आप इस रेसिपी से बिल्कुल इसी तरह से फिश फ्राई रेडी कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे 1/2 kg फ़िश ली हुई है, आप अपनी पसंद की कोई भी फ़िश ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर लेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, उसके बाद ऐड करेंगे 1/2 स्पून
ये हल्दी पाउडर है, हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ स्पून भुना जीरा पाउडर, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हाफ स्पून धनिया पाउडर, और यहाँ पे मैंने 1 पिंच रेड कलर लिया है, फूड कलर, तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए वरना स्किप कर दीजिए, इससे इसका कलर थोड़ा सा रेडिश आ जाता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। और उसी में ऐड कर लेंगे हाफ लेमन, तो मैंने हाफ लेमन ऐड कर दिया है। उसी के साथ ऐड कर लेंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये क्रिस्पी करने के लिए 1 स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है, ये हाफ केजी में मैंने 1 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। और लास्ट में इसमें ऐड कर लेंगे ये हाफ स्पून चाट मसाला है। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके फिश की हर तरफ से इस तरह से कोट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट होने के बाद मसाला हर जगह इसका अच्छे से कोट हो जाए। आप कॉर्नफ्लोर की जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं और मैदा, या फिर तीनों चीज़ों को 1-1 स्पून ऐड कर सकते हैं अगर आपकी फिश की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो देखिए मैंने फिश को बहुत अच्छे से कोट कर लिया है, सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो गई हैं। तो अब हम इस फिश को कम से कम हाफ़ आवर के लिए, मिनिमम हाफ़ आवर के लिए जो है इसी तरह छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से फिशेस के पीसेस जो हैं अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं, तो हम इसे हाफ आवर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। हाफ आवर के बाद फिश काफ़ी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, उसे मैं ऐड कर लिया है 2 स्पून मस्टर्ड ऑयल, और जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म होगा उसमें एक एक करके हम फिश के मैरिनेटेड जो पीस हैं वो इसमें फ्राई करने के लिए रखते जाएंगे। और यहाँ पे हमें फ्लेम को एकदम लो मीडियम रखना है, कि अगर हम बहुत ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो फिश जो है अच्छे से फ्राई नहीं होंगी और इसकी जो है ये एक तरफ से जलने शुरू हो जाएंगे। तो जब फिश एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तभी हम इसे टर्न करेंगे, अदरवाइज ये क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी हुई है और एक साइड से अच्छे से कुक हो चुकी है। अगर हम इसे बहुत जल्दी टर्न कर लेंगे तो ये उस तरफ से उस साइड से अच्छे से क्रिस्पी कुक नहीं हो पाएगी और इसकी जो कोटिंग है वो निकल जाती है जो इसमें हमने मसाले ऐड किए हैं। तो देखिए कुछ भी मसाला जो है पैन में नहीं लग रहा है या फिर पैन से नहीं स्टिक हो रहा है, इसलिए आप फिश को एक तरफ बहुत अच्छे से कुक होने दें तभी ये एकदम क्रिस्पी बनेंगे। तो दूसरी तरफ भी फिश अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो देखिए बनके रेडी है क्रिस्पी स्पाइसी फिश फ्राई। तो आप इस रेसिपी को बनाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज की मेरी रेसिपी है स्पाइसी एंड टेस्टी चिकन विंग्स। तो ये काफ़ी इजी रेसिपी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में, और ये आप एज ए स्टार्टर ले सकते हैं डिनर, लंच या फिर टिफ़िन बॉक्स, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आप इसे जो है अपने लंच बॉक्स या डिनर बॉक्स कैसे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप एंड तक ज़रूर देखें और आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चिकन विंग्स बनाने के लिए ये मैंने 1/2 kg चिकन विंग्स ले लिए हैं। ये मैंने वॉश करके एकदम ड्राई किया हुआ है और इसी में मैंने ऐड कर लिया है 1 स्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही मैं ऐड कर लिया है सॉल्ट, और इसी के साथ इसमें मैंने ऐड किया है ये 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, और इन सब के साथ इसमें ऐड कर लेंगे कम से कम 5 स्पून मैदा। आप अगर मैदा नहीं ऐड करना चाहते हैं तो फिर कॉर्नफ्लोर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका जो है कोट क्रिस्पी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें जितनी अच्छे से इसमें मिक्स होंगी तो इसमें कोटिंग इसकी बनेगी और ये फ्राई करने के बाद उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें इसलिए ऐड किया है कि ये बाहर से थोड़े से क्रिस्पी रहें और अंदर से ये जूसी रहें और इसका जो मॉइस्चर है वो बना रहे। तो इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट्स के लिए साइड में रख देते हैं। तो ये 10 मिनट्स हो चुके हैं। 10 मिनट्स के बाद ये जो है मैंने यहाँ पे तब तक एक कढ़ाई ले ली थी, उसी में मैंने वेजिटेबल ऑयल ऐड कर लिया है और ऑयल अब अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसकी फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसी में ये जो हमने चिकन विंग्स जो कोट करके रखी हुई हैं उन सबको एक एक करके इसमें ड्रॉप कर लेंगे। और एक साथ हमें सारे विंग्स नहीं फ्राई करने हैं, अदरवाइज ऑयल का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो मैंने 1/2 जो है चिकन विंग्स इसमें ऐड कर ली हैं और इनको मैं लो हीट पे अच्छे से डीप फ्राई कर लूँगी ताकि ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत कम वक्त लगता है और जो है इसमें आप कभी भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आता है। ज़्यादातर हम इसे रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं, बट इस रेसिपी से आप इजीली घर पे चिकन विंग्स जो है बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने एक बैच को डीप फ्राई कर लिया था और ये मेरा बचा हुआ जो चिकन विंग्स है वो भी मैं जो है गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं सारी चिकन विंग्स जो हैं ये फ्राई करके मैंने साइड में रख ली हैं। अब हम इसकी सेकंड स्टेप की जो है प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में ऐड कर लिया है 2 स्पून वेजिटेबल ऑयल। जैसे ऑयल गर्म होगा इसमें हम जिंजर और गार्लिक जो है फाइनली चॉप किया हुआ इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जिंजर गार्लिक एकदम फाइनली चॉप होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें ये ऐड कर लिया है। अब इसको मैं सॉटे कर लूँगी। इसको गोल्डन ब्राउन नहीं होने देना है, कम से कम 5 या 7 सेकंड के लिए ही इसे सॉटे करना है और फ्लेम को लो कर देना है। फ्लेम लो करने के बाद बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन फ्लेम यहाँ पे आपकी एकदम लो होनी चाहिए, अदरवाइज ये जल जाएगा और वो सारी चीज़ें भी जल जाएंगी जो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून ये ब्राउन शुगर ले लिया है। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर या फिर नॉर्मल शुगर जो यूज़ करते हैं आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं 2 स्पून। मैंने ब्राउन शुगर इसलिए ऐड की है क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा इसमें ब्राउनिश आ जाएगा। और उसी के साथ ऐड कर लिया है 1 स्पून रेड चिली सॉस। अगर रेड चिली सॉस नहीं है तो आप स्वीट चिली
सॉस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ ऐड कर लिया है 1 स्पून विनेगर। और साथ ही मैं ऐड कर लिया है 1 स्पून डार्क सोया सॉस और 1 स्पून ओएस्टर सॉस। ओएस्टर सॉस जो है ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड करें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। और साथ ही मैं ऐड कर लेंगे 2 स्पून टमाटो केचप, क्योंकि जो है चिकन विंग्स जो हैं स्पाइसी भी होते हैं, थोड़े से मीठे मीठे से भी लगते हैं। और साथ ही में ये मैंने ऐड कर लिया है 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जो हमने ब्राउन शुगर ऐड की थी वो इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। इसका स्पाइसी और थोड़ा सा खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि हम इसमें विनेगर और सोया सॉस ऐड करते हैं। और इसी में ऐड कर लेंगे 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए। और इसमें स्पाइसीनेस जो है वो एक तो ब्लैक पेपर से आती है, और सेकंड जो है हमने जो रेड चिली ऐड की है उससे आती है। तो यहाँ पे फ्लेम एकदम स्लो है, इसको जलाना नहीं है। और ये एक्चुअली नॉन स्टिक ये पॉट है, तो ये इसमें स्टिक नहीं होगा। तो जैसे मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद इसमें जो फ्राई की हुई चिकन विंग्स थी वो ऐड कर ली हैं। और चिकन विंग्स को हमें इस में अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि चिकन विंग्स में सारी चीज़ें अच्छे से कोट हो जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं, और काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं, काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है। और इसी में ऐड कर लेंगे 1 स्पून हनी। हनी इसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो इसका हनी का जो की जो टेस्ट होता है वो इसमें अलग ही इसका इसको अलग सा फ्लेवर देता है। तो हनी आप इसमें ज़रूर ऐड करें, आपने या जब आप सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं सोया सॉस टमाटो केचप और विनेगर, उसी वक्त भी आप हनी को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने उस वक्त हनी को ऐड नहीं किया था, तो मैंने लास्ट में हनी इसमें ऐड कर ली है। मैंने सॉल्ट एक्चुअली इसको फ्राई करने में ऐड किया हुआ था, और अगर आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कम लगे तो आप इन सब चीज़ों के साथ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये रेडी है चिकन विंग्स। तो कितनी जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, तो बन के रेडी है ये, और कितना स्पाइसी और टेस्टी लग रहे हैं। तो मैं इन्हें प्लेट कर लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही मज़ेदार सी और हम सबकी फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी। तो ये बनाने में तो इजी है ही, और आप इसे बना के जो है फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं कम से कम 2 मंथ के लिए। तो आप एक बार बना के इसको रख लेंगे तो बार बार की जो बनाने का जो इसका जो प्रोसेस है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। आप इसे इजीली बना के 2 मंथ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही यमी बन के रेडी होते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए हमें बोनलेस चिकन की ज़रूरत होगी। तो आप अपने हिसाब से जितने चिकन नगेट्स बनाने हैं आप उतना बोनलेस चिकन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है। तो मैं इसको मिक्सी में इसका कीमा बना लूँगी, इसको मिक्सी में चला लूँगी। और यहाँ पर मैंने इसी में ऐड करने के लिए 2 पीसेस ब्रेड की ली हैं। इसे भी मैं जो है मिक्सी में एक बार पाउडर फॉर्म में इसको रेडी कर लूँगी। और फिर जो मैंने मिक्सी में चिकन का कीमा बनाया हुआ है और जो मैं इसका पाउडर फॉर्म बनाऊँगी या इसका क्रम्स तैयार कर लूँगी, तो उन सबको फिर एक ही में हम जार में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चिकन का कीमा बना लिया था मिक्सर में, और इसी में ऐड कर लिया है ये ब्रेड का ये जो पाउडर फॉर्म बनाया हुआ था।
तो इसी में ऐड कर लेंगे 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून सोया सॉस, 1/4 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 स्पून चिली फ्लेक्स और सॉल्ट टू टेस्ट। तो सबको भी एक बार मिक्सी में हमने चला लिया था और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इसमें हम फिर से 2 स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर लेंगे और 2 स्पून ऑयल ऐड करेंगे इसको स्मूथ करने के लिए, ताकि ये जूसी बने, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अपने हैंड्स को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे ताकि इजीली नगेट्स की शेप हम इसको दे सकें, या तो फिर आप हाथों से इस तरह से चिकन नगेट्स की शेप में इस तरह से बना लीजिए, या फिर एक बोर्ड में ऑयल आप ग्रीस कर लीजिए और उसी में चिकन को रखने के बाद उसको एकदम फ्लैट कर लीजिए। फिर उसके छोटे छोटे पीसेज में आप चिकन नगेट्स बना के चिकन नगेट्स की शेप में कट कर सकते हैं। तो ये वाला प्रोसेस काफ़ी ईजी होता है, इसमें जल्दी से एक बार में बन के चिकन नगेट्स तैयार हो जाते हैं। तो मैंने इसको एकदम फ्लैट कर लिया है और साइड से इसके कट करके जो है एक्स्ट्रा पीस निकाल लेंगे, और जो बचा हुआ बीच का पार्ट है उसी में हम नगेट्स की शेप देके इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसको काट लेंगे। बहुत इसको थिक नहीं करना है, अदरवाइज़ ये फिर फ्राई होने में आप अच्छे से कुक नहीं हो पाएंगे, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे, तो इतनी इसकी थिकनेस रखें। तो मैंने सारे चिकन नगेट्स बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग ले लिए हैं, उसी में मैंने ऐड कर लिया है सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। तो इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साथ ही में मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स, और सबसे पहले हमने जो है चिकन नगेट्स को इस एग के मिक्सचर में डिप करना है और उसे केयरफुली निकाल के ब्रेड क्रम्स में हम फिर से इसे कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से, ताकि ये जब हम इनको फ्राई करें तो ये काफ़ी क्रिस्पी बने। तो ये ब्रेड क्रम्स हैं, तो ये अच्छे से कोट हो गया है। इसी तरह से सारे चिकन नगेट्स को हम कोट करके रख लेंगे। तो ये मैंने चिकन नगेट सारे एग और ब्रेड क्रम्स में कोट करके इस तरह से रख लिए हैं। अब मैं इसे फ्रीज़र में रखूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, उसी में सारे चिकन नगेट्स में रख लूँगी, और इसे कम से कम 5 to 6 आवर के लिए हम फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। और आप इसे स्टोर 2 मंथ तक ईजीली कर सकते हैं। तो ये सारे बॉक्स में मैंने ट्रांसफ़र कर लिए हैं, तो मैं इसे फ्रीज़र में रख लेती हूँ और कम से कम 5 to 6 आवर के बाद इसे मैं फिर से फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने फ्रीज़र में रख लिया है। तो मैंने 5 to 6 आवर के बाद इन्हें निकाल लिया है और एक कढ़ाई में ऑयल लेके इन्हें फिर मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। स्टार्टिंग में इसकी फ्लेम को हाई रखना है, उसके बाद आपको मीडियम लो करके इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए कितने यमी से चिकन नगेट्स बनके रेडी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं आप सबके साथ एक फेमस इंडो चाइनीज़ रेसिपी शेयर करूँगी, गोभी मंचूरियन। तो हम इसे स्ट्रीट में ही खाते हैं या फिर मार्केट में ही इसका जो है इसको इंजॉय करते हैं, लेकिन आप जो है इस रेसिपी से बहुत इजीली इसे घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही यमी और झटपट बनने वाली ये रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे 200 ग्राम के करीब गोभी ली है और वॉश करके इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है, और एक बाउल में 4 स्पून कॉर्नफ्लोर और 4 स्पून मैदा मैंने ऐड कर लिया है। साथ ही में सॉल्ट टू टेस्ट,
रेड चिली पाउडर, ब्लैक पेपर, हींग, भुना जीरा पाउडर और गरम मसाला, तो इन सबको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसी में कटी हुई गोभी को हम ऐड कर लेंगे और उसे भी बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से गोभी के साथ कोट हो जाएं। तो ये देखिए इस तरह से ये कोट होके रेडी हो गया है। तो इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, उसी में ऑयल ऐड करके इनको डीप फ्राई करना है। जब एक साइड अच्छे से फ्राई हो जाए तो आप इसको इस तरह से टर्न कर लें। ये डीप फ्राई होने के बाद बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको डीप फ्राई करना है। तो ये अब डीप फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लिया है। जैसे ऑयल गर्म होगा उसी में जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली चॉप करके इस तरह से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अपनी फ्लेम को हम हाई रखेंगे, इन सब चीज़ों को हम जलाएंगे नहीं, हमको थोड़ा बहुत ट्रांसपेरेंट होने तक वेट करना है। जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे उसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज का अनियन चॉप करके ऐड कर लेंगे। इसे भी हम ट्रांसपेरेंट होने तक ही इस तरह से सॉटे करेंगे। इंडो चाइनीज जितने भी डिशेज होती हैं वो हाई फ्लेम पे बनाई जाती हैं और उसी में ऐड कर लेंगे 2 स्पून डार्क सोया सॉस, 2 स्पून रेड चिली सॉस और टमाटो केचप और 1 स्पून ओएस्टर सॉस। तो इस सबको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपनी डीप फ्राई की हुई गोभी ऐड करेंगे। उससे पहले हम 1/2 कप वाटर में कॉर्नफ्लोर का एक इस तरह से पेस्ट बना लेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि थोड़ा स्टिकी हो जाए। उसको डालने के बाद तब हम गोभी इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो गोभी ऐड करने के बाद भी कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर और वाटर। तो ये देखिए बनके तैयार है गोभी मंचूरियन। कितना झटपट ये बनके रेसिपी तैयार हो जाती है। तो इसी में ऐड कर लेंगे 1 स्पून चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए। और साथ ही मैं ऐड कर लूँगी हरे धनिया के पत्ते और स्प्रिंग अनियन। तो इन सबको भी अच्छे से मिक्स करके हम इसको सर्व कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। तो ये देखिए मैंने आज कढ़ाई चिकन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ये रेसिपी बनाई है। तो ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और कढ़ाई चिकन ये सब चीज़ें तो रेस्टोरों में ही ऑर्डर की जाती हैं, लेकिन आप इस रेसिपी से इसे ईज़िली घर पर बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है और किचन में अवेलेबल सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें आप यूज़ करें तो बिल्कुल यही टेस्टी कढ़ाई चिकन बनेगा। लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई चिकन, और बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो जाता है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 4 स्पून ऑयल ले लिया है और इसी में मैं ऐड कर लूँगी कुछ खड़े मसाले, ज़ीरा, धनिया, इलायची, ब्लैक पेपर। और जैसे वो मसाले क्रैक होंगे इसी में ऐड कर लूँगी 2 स्लाइस किए हुए अनियन। तो इसे हम सॉटे कर लेंगे, इसको जलाएंगे नहीं, ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको इसी तरह फ्राई कर देंगे। अब ये फ्राई हो चुका है थोड़ा, और उसी में मैं ऐड कर लूँगी 300 ग्राम चिकन। तो अब चिकन को भी हम अनियन के साथ बहुत अच्छे से पका लेंगे।
कम से कम 5 to 6 मिनट हमें इसको ऐसे ही फ्राई करना है। इस तरह से हल्का सा जब ये ब्राउन हो जाएगा उतनी देर हम इसको इसी तरह भूनेंगे और साथ ही में ऐड कर लेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इस पेस्ट के साथ भी हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर पानी ऐड कर लेंगे और साथ ही में सूखे मसाले, ये है धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च, सॉल्ट। अब इसको हम 5 मिनट के लिए इन सब मसालों के साथ इसी तरह से कुक करेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी मसाला ऐड करेंगे। इसमें ये गरम मसाला है, चिकन मसाला है और ब्लैक पेपर पाउडर है। तो आप चाहें तो बाकी मसालों के साथ साथ में ऐड कर सकते हैं या फिर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तब इन सबको अच्छे से मिक्स करके पकाना है और यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे 1 कप वाटर। तो हमने 5 मिनट तक इसको फिर से पकाया है, तो देखिए पानी अब सूख गया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर और लहसुन और ग्रीन चिली। तो इनको हमने इस तरह से मोटा काट के इस तरह से ऐड कर देना है और इनको अच्छे से मिक्स करके इस तरह से हम फिर से इसको पकाएंगे। अभी इसे कवर करके लीड के साथ लो फ्लेम पे कम से कम हम इसे 10 मिनट्स तक फिर से पकाएंगे। 10 मिनट्स के बाद ये देखिए इसमें जो भी हमने सब्जियां ऐड की थी वो पक चुकी हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे। कढ़ाई चिकन में जो है पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ये थोड़ा सा थिक ही अच्छा लगता है और ये इसी कंसिस्टेंसी में बनता है। तो ये देखिए बनके तैयार है कढ़ाई चिकन। तो इसी में हम ऐड कर लेंगे हरे धनिया के पत्ते। अब मैं इसे प्लेट कर लेती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा और बताएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगली बार आपसे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैब इंडियन फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब बेहतर होंगे। आज मैं आप सबके साथ हांडी कबाब या फिर कढ़ाई कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कढ़ाई कबाब। मैंने यहाँ पे 1/2 kg मटन का कीमा लिया हुआ है। आप चाहे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 kg मटन लिया हुआ है, इसे मैंने मिक्सी में बहुत अच्छे से पीस लिया था। तो इस तरह से ये इसका कीमा बन गया है। आप चाहे तो किसी भी तरह से इसका कीमा बना सकते हैं। तो इसी में मैं ऐड कर लूँगी ग्रीन चिली और ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। इसमें इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। धनिया अगर इसमें ज़्यादा रहती है तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है और खुशबू भी रहती है। और इसी में ऐड कर लूँगी 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए अनियन। इसी के साथ इसमें ऐड कर लेंगे, ये मैंने 1/2 कप रोस्टेड बेसन लिया हुआ है, मतलब भून लिया था बेसन को। अगर आपके पास भुना बेसन आप नहीं करना चाहें तो जो चना होते हैं भुने हुए चने, उसका भी पाउडर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर लिया है 5 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और सॉल्ट टू टेस्ट। और इसी के साथ इसमें ऐड हो जाएगा ये ज़ीरा पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, और 1/2 स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 2 स्पून लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप ड्राई मैंगो पाउडर या अमचूर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें ऐड कर लेंगे 3 स्पून मेल्टेड बटर, ताकि
जो है ये कबाब जूसी बने और सॉफ्ट बने। इन सब चीज़ों को अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी चीज़ें हमने मटन के कीमा में डाली हैं वो आपस में अच्छे से कीमा के साथ बाइंडिंग हो जाए अच्छे से। तो अब हम इसे कम से कम एक घंटे के लिए ऐसे ही फ्रिज में रख देंगे। तब तक हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक हांडी ले ली है, उसी में ऑयल ऐड कर लिया है और साथ ही मैं ऐड कर लिए हैं सारे खड़े मसाले। जैसे खड़े मसाले क्रैक होंगे उसी में मैं ऐड कर लूँगी ये 3 chopped ऑनियन है, ये मीडियम साइज़ के ऑनियन मैंने लिए हुए हैं, आपको फाइनली चॉप करना है और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करना है। अभी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसी में ऐड कर लूँगी 3 spoon गार्लिक पेस्ट और 3 spoon जिंजर पेस्ट। तो उसको भी हम 1-2 minutes के लिए इस तरह से सॉटे कर लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल चली जाए। और उसी के साथ कुछ सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 spoon कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 spoon धनिया पाउडर, 1 spoon जीरा पाउडर और 1/2 spoon ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ी सी हल्दी ली है। तो इस सबको भी इसमें ऐड करके थोड़ा इसको सॉटे कर लेंगे और साथ ही मैं ऐड कर लेंगे 2 medium size का चॉप्ड टोमेटो, ये भी मैंने फाइनली चॉप किया है। तो इसको भी हम इस मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करके 1-2 minutes के लिए सॉटे कर लेंगे और 5 minutes के लिए इसको कवर करके कुक कर लेंगे। तो 5 minutes के बाद सारा टमेटो और अनियन और सारे मसाले बहुत अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इसमें मैं 2 green chili ऐड कर लूँगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे आप स्किप भी कर सकते हैं और 1-2 green chili आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैं धीरे धीरे इसमें 1 glass water जो है हम ऐड कर लेंगे। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें फिर से इसे इसको कवर करके हमें फिर से इसको कम से कम 15 मिनट्स के लिए लो हीट पे जो है फिर से इसको कुक करना है। और अब कीमा को हम जो है कबाब का शेप देंगे, बहुत छोटे छोटे आप कबाब बनाएगा, बहुत बड़े बनाने से ये उसमें फिर कुक नहीं हो पाएंगे। पहले हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये इस तरह से मैंने ये कबाब बना लिए हैं और मैंने नॉनस्टिक पैन ले लिया है और थोड़ा सा उसमें ऑयल ऐड करके इनको जो है हाफ फ्राई हम कर लेंगे। एकदम कंप्लीट इसको हमको फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसको ग्रेवी में भी पकना रहेगा। तो इसको थोड़ा ही हम इसको दोनों साइड से थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। अब इन कबाब्स को हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। तो ग्रेवी भी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है और लास्ट में हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 cup दही। तो दही ऐड करने के बाद हम इसमें धीरे धीरे से सारे कबाब ऐड कर लेंगे। आप 1 या 2 kebab के पीसेज को मैश कर लीजिएगा, बचा लीजिएगा 1 या 2 पीस क्योंकि ग्रेवी में हम बाद में ऐड करेंगे ताकि ग्रेवी बहुत ही थिक बनती है और काफ़ी टेस्टी लगती है। अब कवर करके 5 मिनट्स के लिए हम फिर से कुक करेंगे। तो 5 मिनट्स हो चुके हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये कुक हो गया है और इसी में ऐड कर लेंगे एक मैश किया हुआ कबाब। इसको फिर एक बार कवर करके हम इस तरह से इसको शेक कर लेंगे ताकि सारा मसाला कबाब में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये बन के रेडी है हांडी कबाब। इसी में मैंने ग्रीन कोरिएंडर लीव्स ऐड कर ली हैं और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और बताइएगा कि ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन होंगे। तो ये देखिए आज मैं दाल मखनी की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँगी, रेस्टोरेंट स्टाइल, बिल्कुल वही टेस्ट, उससे भी कहीं ज़्यादा हेल्दी और हाइजेनिक। ये घर पे बना के आप इंजॉय कर सकते हैं, कितनी डिलीशियस लग रही है ये।
तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दाल मखनी जितनी हेल्दी, रिच और टेस्टी होती है बनाने में, ये उतनी ही इजी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दाल मखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप साबुत उड़द की दाल ली है और 2 स्पून ये राजमा है, मैंने इसको ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। और राजमा के साथ आप इसमें ये चने की दाल भी ऐड कर सकते हैं, ये भी मैंने 2 स्पून ली है। तो 1 कप उड़द की दाल में आप जो है 2 स्पून राजमा और 2 स्पून चना ज़रूर मिक्स करें। तो यहाँ पे मैं एक पेस्ट बना लेती हूँ। सबसे पहले ये मैंने कुछ रेड चिली जो है भिगो के रख दी थी, उसी के साथ जिंजर गार्लिक मिला के इसका एक पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो बिना रेड चिली के भी बना सकते हैं। तो मैंने पेस्ट बना लिया था और मिक्सर के जार में जो पानी बच गया था उसी को मैं इसे दाल में मिक्स कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पे 1 ग्लास जो है वाटर ऐड कर लिया है और इसी के साथ ऐड कर लिया है 1 स्पून सॉल्ट। और इसको हम कम से कम 6-7 मिसल तक जो है बॉईल कर लेंगे। जब तक दाल बॉईल हो रही है तब तक हम यहाँ पे इसके मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, उसी में ऐड कर लिया है 2 स्पून घी। तो दाल मखनी जो है घी में ही टेस्टी बनती है। और उसी में ऐड कर लिया है 2 मीडियम साइज़ के चॉप्ड अनियन। तो अब अनियन को भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसी में ऐड कर लेंगे जो हमने रेड चिली, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट बनाया हुआ था, तो इसमें ऐड कर लेंगे। और इस मसाले को भी 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे और 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर और 1 स्पून ये भुना जीरा पाउडर है और 1 स्पून गरम मसाला और 1 स्पून ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1.5 स्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इन सभी को भी बहुत अच्छे से हम एक बार फिर से भून लेंगे और इसी में ऐड कर लेंगे। ये मैंने 4 मीडियम साइज़ के टोमेटो लिए थे, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था और उस पेस्ट को भी हम इसमें ऐड करके बहुत अच्छे से एक बार फिर से भूनेंगे। तो इसमें सारे मसाले अब जा चुके हैं, हम लिड के साथ इसको फिर से पकाएंगे। यहाँ पे अपनी फ्लेम को आप लो ही रखें। तो 5-6 मिनट जो है इसको कुक होने के बाद ये देखिए ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब इसमें थोड़ा फ्लेम हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे और इसे अच्छे से फिर से भूनेंगे जब तक इसमें जो है घी जो है सेपरेट ना होने लगे। तो जैसे ही घी सेपरेट होने लगेगा हम इसमें अपनी जो बॉयल दाल थी वो इसमें ऐड कर लेंगे। तो मैंने बॉयल दाल को इसमें ऐड कर लिया है और इसे हम फिर से लिड के साथ 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे फिर से इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से इसमें जो मसाले हैं अच्छे से मिक्स हो जाएं। टेन मिनट्स पकाने के बाद ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ गया है, बिल्कुल परफेक्ट दाल मखनी बनके रेडी हुई है। न ये ज़्यादा गाढ़ी है और न पतली। तो यहाँ पे मैंने 1 कप जो है क्रीम ले लिया है और क्रीम को हम इसमें धीरे धीरे ऐड कर लेंगे। और थोड़ी सी बाद में गार्निश के लिए बचा लेंगे 2 स्पून। तो इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको फिर से 3-4 या फिर 5 मिनट्स के लिए जितना लगे कि आप ये बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं हम इसको फिर से पकाएंगे। तो इसमें अब बॉयल आ गया है, इसी में मैं ऐड कर लूँगी ग्रीन कोरिएंडर। दाल मखनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है तो ये खाने में बहुत
हेल्दी तो है ही और टेस्टी भी ये बहुत होती है। विंटर्स आ रहे हैं तो इस तरह से दाल मखनी विंटर्स में बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे एक तड़के की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा तड़का पैन ले लिया था, उसी में 2 स्पून बटर ऐड कर लिया था और बटर जैसे ही गर्म हुआ इसमें मैंने 2 रेड चिली ऐड कर ली हैं। बटर को एकदम जलाना नहीं है, दाल में हम इसका तड़का लगा लेंगे। तो ये देखिए बनके रेडी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्टी रिच एंड हेल्दी दाल मखनी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलती हूँ अगली बार नई रेसिपी के साथ, तब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।